स्टूडेंट्स, आई एम हियर विथ चैप्टर 5 ऑफ CBSE क्लास 9 इंग्लिश लिटरेचर द हैप्पी प्रिंस. दिस चैप्टर वॉज रिटन बाय एन आयरिश राइटर ऑस्कर विल्ड. तो ये जो है चैप्टर 5 आपके क्लास 9 CBSE का मोमेंट्स के बुक से है, ये द हैप्पी प्रिंस. ये लिखा गया एक आयरिश राइटर जो है ऑस्कर विल्ड उनके द्वारा. ये बड़ा ही हार्ट टचिंग और फुल ऑफ इमोशन कह सकते हैं एक स्टोरी है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जो एक प्रिंस जो है अपने शरीर पे जड़े हुए सारे रत्नों को एक एक करके जो है गरीबों और जो बेघर लोग हैं उनको मदद करने में जो है वो दे देते हैं. तो स्टोरी जो है इस तरह से है कि एक प्रिंस होता है जो अपने लाइफ टाइम में कभी दुख दर्द को नहीं देखा होता है. हम लोग को मालूम है कि जो राजा या राजा का बेटा होता है प्रिंस, वो कभी भी जो है दुखी नहीं होता है, या कहे तो उसके पास सारी सुख सुविधाएं होती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है. दुख दर्द के बारे में उसका कोई जानकारी नहीं होती है. उसका लाइफ हमें आराम और ऐसो आराम से जो है बीतता है. तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पेज में है, और उसके बाद स्टोरी ये भी है कि जब वो मर जाता है तो उसका एक बहुत बड़ा एक स्टैच्यू बनाया जाता है शहर में काफ़ी ऊंचे जगह पर, और उसके स्टैच्यू में पूरा जो उसका शरीर है, पूरा जो बॉडी है, वो गोल्ड के लेयर से बनाया जाता है, और उसकी आँखों में एक रत्न दिया जाता है जिसका नाम है सफायर, जिसको हिंदी में कहते हैं नीलम, और उसके हाथ में एक तलवार है, उस तलवार के हैंडल में रूबी जड़ा हुआ है. रूबी का मतलब होता है एक मणिक. ये दोनों जो है काफ़ी कीमती पत्थर हैं, इट्स अ प्रेशियस स्टोन्स. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि शुरुआत में क्या दिया हुआ है. द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैच्यू, ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज सोर्ड. व्हाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रेशियस स्टोन्स. तो शुरुआत में जो है पिंक लाइन्स में कुछ दिया हुआ एक पैराग्राफ है. हैप्पी प्रिंस क्या है? एक बहुत ही सुंदर स्टैच्यू है, एक मूर्ति है जो गोल्ड से ढका हुआ है, गोल्ड से बना हुआ शरीर, उसकी आँखों में सफायर्स लगे हुए हैं, काफ़ी कीमती पत्थर जिसको मैंने कहा नीलम कहा जाता है हिंदी में, और उसके जो सोड हैं, जो तलवार है, उसका हैंडल में जो है रूबी जड़ा हुआ है, रूबी जिसको मणिक कहा जाता है. तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्यों जो है एक एक करके अपने शरीर से इन सारे रत्नों को अलग करता है, जो वो काफ़ी जो है उसके लिए कीमती है. तो हम पढ़ते हैं फर्स्ट पेज से. हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो high above the city, यानी शहर में काफ़ी ऊंचाई पर जो है लंबा सा एक स्टैचू खड़ा है. उस स्टैचू का नाम है, और किसका ये स्टैचू है? स्टैचू का नाम है हैप्पी प्रिंस. पूरी तरह से वो जो है गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड से बना हुआ है. उसके आँखों में दो चमकदार सफायर्स लगे हुए हैं जिसको नीलम कहा जाता है, काफ़ी कीमती पत्थर होता है ये. एंड अ लार्ज रूबीज ग्लोड, और जो है उसके तलवार का जो हैंडल है, हिल्ट का मतलब होता है हैंडल, हैंडल में जो है एक दूसरा एक कीमती पत्थर लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं यहाँ पर रूबी, जिसको हिंदी में मणिक कहा जाता है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. और इसमें अगर हम देखते हैं मेन कैरेक्टर में एक बर्ड है, यहाँ पर इसका नाम है स्वेलो. ठीक है, स्वेलो एक वो काइंड ऑफ वर्ड है जिसका रोल होता है कि वो किस तरह से प्रिंस के बातों को मानता है और उसको फॉलो करता है और गरीबों की मदद करता है. वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो. हिज फ्रेंड्स हैड गोन अवे टू इजिप्ट 6 weeks बिफोर, बट ही हैड स्टेड बिहाइंड. देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू. एक रात क्या होता है कि एक छोटा सा स्वेलो जो बर्ड है वो उड़ता हुआ आता है. उसके सारे फ्रेंड्स जो है इजिप्ट जा चुके हैं 6 weeks बिफोर, यानी 6 सप्ताह पहले जो है इजिप्ट जा चुके हैं. किसी कारण से वो रुक गया या पीछे रह गया, और वो भी जो है जाना चाहता है इजिप्ट, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी है. ऑल डे लॉन्ग ही फ्ल्यू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी. पूरा दिन जो है उड़ने के बाद जो है वो रात के समय में उस शहर में पहुंचता है.
Where shall I put up? He said, I hope the town has made preparations. Where shall I put up? Put up का मतलब होता है, यहाँ पर ले सकते हैं take shelter. कहाँ वो आश्रय लेगा, कहाँ रहेगा? उसे लगता है कि शहर में बहुत सारे जगह होंगी. प्रिपरेशंस का मतलब यहाँ समझ जाएंगे कि जगह होगी जहाँ हम जो है रह सकते हैं, आश्रय ले सकते हैं. फिर सुबह होते ही मैं जो है इजिप्ट चला जाऊँगा. देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम. अचानक से जो है उसका नज़र पड़ता है उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू पर, जो काफ़ी विशाल सा है और काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है. आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड. और जो है वो चिल्लाते हुए बोला कि हाँ, ये जगह काफ़ी अच्छा है, यहाँ मैं जो है आश्रय लूँगा, यहाँ मैं रहूँगा. इट इज़ फाइन पोजिशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर. सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. और जो है वो फैसला किया कि ये जो है काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ काफ़ी फ्रेश एयर भी आता है. और वो जो है अलाइटेड का मतलब होता है फ्लू डाउन, और नीचे उड़ते हुए आया और जो है वो हैप्पी प्रिंस के दो पैरों के बीच में जो है बैठ गया. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड राउंड एज ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप. और जो है वो अपने खुद से बोल रहा है, आह क्या बात है, एकदम तो लगता है एकदम गोल्डन बेडरूम है, सोने का बेडरूम है, बहुत मज़ा आएगा, अपने आप से बोलता है और जो है सोने की तैयारी करता है. बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. और जैसे ही वो सोने के लिए जाता है, एक बड़ा सा बूंद जो है उसके ऊपर आके गिरता है. वट क्यूरियस थिंग, ही क्राइड. और चिल्लाता है, क्या ये अजीब सा चीज़ है. देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग. काफ़ी उसको जो है बुरा लगता है, क्या बात है, पूरा आकाश जो है वो काफ़ी साफ है, काफ़ी साफ है, बहुत सारे तारे चिमचिमा रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं, फिर भी रेनिंग हो रहा है. देन अनदर ड्रॉप फेल, उसके बाद दूसरा भी एक बूंद गिरता है. वॉट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड. अब वो फिर से बोलने लगा, क्या मतलब है इस स्टैचू का, इतना बड़ा लंबा स्टैचू है जो रेन को नहीं रोक सकता है, बड़ा ही ख़राब है. आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट. अब वो जो है एक चिमनी पॉट मतलब होता है कि बता सकते हैं हम लोग मिट्टी का कोई बर्तन जिसमें वो अपने आप को ढकना चाहता है या फिर उसे रेन से बचना चाहता है, ऐसा वो सोच रहा है. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वहाँ से जो है उड़ने का वो मन बनाता है. बट बिफोर ही हैड ओपेंड हिज विंग्स और थर्ड ड्रॉप फेल एंड ही लुक्ड अप. और जैसे ही वो अपने पंख खोलकर उड़ना चाहता है, वैसे ही तीसरा ड्रॉप जो है गिरता है और वो ऊपर देखता है. एंड सॉ, और क्या देखता है, आह व्हाट डिड ही सी, और क्या वो देखता है, वो बड़ा ही सरप्राइज हो जाता है. द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स. और क्या देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस है उसकी आँखों से जो है आंसू बह रहे हैं और वो बहते चले आ रहे हैं उसके गाल से. उसके फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट, और उस आंसू से जो है, उस पानी के बूंदे से जो है, उसका चेहरा उस चांदनी रात में काफ़ी चमक रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है. दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, और स्वेलो को बड़ा दया आती है उस पर. हु आर यू, ही सेड, आई एम अ हैप्पी प्रिंस. और जो है वो स्वेलो पूछता है, तुम कौन हो, तो जवाब आता है, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो. स्वेलो फिर पूछता है, क्यों तुम रो रहे हो. यू हैव क्वाइट ड्रेंज्ड मी, तुमने मुझे बिल्कुल ही भिंगो दिया. ये जो है वो स्वेलो बोलता है. और फिर ये जो है, फिर वो प्रिंस जो है जवाब देता है, व्हेन आई वाज अलाइव एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट आंसर्ड द स्टैचू आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर. और फिर वो हैप्पी प्रिंस जवाब देता है, जब मैं जिंदा था तो मेरे पास एक दिल था, हार्ट था, और जो है मैं इन आंसुओं के बारे में कुछ नहीं जानता था. फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर. और मैं एक राजमहल में, पैलेस का मतलब होता है राजमहल में रहता था, जहाँ जो है इन टीयर्स का कोई एंट्री नहीं था, कोई प्रवेश नहीं था, अलाउ नहीं था, कोई अनुमति नहीं थी. माय कॉटियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो दरबारी थे, मेरे जो मंत्री थे, वो मुझे हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे. एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं हैप्पी था. इंडीड का मतलब होता है वास्तव में. फॉर आई लिव्ड इन द फॉर माई, हो गया ये, सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. और मैं रहा और मैं फिर जो है मर गया. एंड नाउ दैट आई एम डेड, they have set me up here so high that I can see the
ugliness and all the misery of my city. And though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. अब वो क्या कहता है कि जब मेरे मरने के बाद जो है मुझे इस ऊँचे जगह पर जो है खड़ा कर दिया गया है, जहाँ से मैं देख सकूँ. अगलीनेस का मतलब होता है जो काफ़ी बुरा दिखता है. मिजरी मतलब होता है काफ़ी दुख दर्द, अपने सिटी का दुख दर्द मैं देख पाऊँ. हालांकि मेरा हार्ट जो है अभी सही मतलब असली नहीं है, ये लेड का बना हुआ. लेड एक तरह का जो है मेटल होता है, और मैं जो है कुछ नहीं कर सकता हूँ रोने के अलावा. वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड. फिर वो जो है देख पूछता है क्या वो सॉलिड गोल्ड नहीं है. सेट द स्वेलो टू हिमसेल्फ, ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. अब जो है कोई पर्सनल रिमार्क्स जो है वो करना नहीं चाहता था. खुद अपने में ही वो बोल रहा है कि क्या ये सोने का नहीं है. और फिर जो है वॉट फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस. और बहुत ही सुंदर आवाज़ में जो है वो स्टैचू जो है वो अपनी बात को फिर से बताता है. फार अवे माने यहाँ से काफ़ी दूर है. लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस. यहाँ से काफ़ी दूर जो है एक छोटे से रास्ते में एक गरीब का घर है. वन ऑफ द विंडोज इज़ ओपन, और एक जो है खिड़की खुला हुआ है. एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमेन, और इससे मैं एक वुमेन को देख सकता हूँ. सीटेड एट अ टेबल, हर फेस इज़ थीन एंड वॉन. उसका जो चेहरा है काफ़ी पतला दुबला है. और वॉन का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं काफ़ी थकी हुई है. एंड सी हैज कोवर्स, कोवर्स मतलब काफ़ी जो है वो मेहनत करने वाली है. रेड हैंड्स ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, और उसके हाथ काफ़ी लाल हो चुके हैं. ऐसा लगते हैं पिक्ड मतलब होता है चुभना. हो सकता है उसके हाथ में जो है सुई चुभ गया, इसलिए उसके हाथ जो है काफ़ी खून खून हो गया है, लाल लग रहा है. फोर सी इज़ अ सिम स्ट्रेस, और वो एक सिम स्ट्रेस है. सिम स्ट्रेस का मतलब होता है लेडी टेलर. सी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ साटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर. और वो जो एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है डिज़ाइन बनाना. साटिन गाउन, साटिन का मतलब एक तरह का कपड़ा होता है जो काफ़ी चमकीला होता है. और गौन का मतलब होता है जो ऊपर से नीचे तो जो पहनती हैं महिलाएं, उसको गौन कहा जाता है. और वो क्वींस के सम्मान में जो है उसका एक ड्रेस बना रही है. टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, बॉल जो एक तरह का पार्टी होता है जिसमें काफ़ी डांस वगैरह होता है, तो उस पार्टी के लिए जो है उसका वो गौन बनाया जा रहा है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल. और एक कोने में मैंने देखा कि उसका एक बच्चा है जो बीमार पड़ा हुआ है. ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. और उसे बुखार है और वो अपने मदर से जो है ऑरेंज मांग रहा है. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. अब ऐसी स्थिति है उसके मदर के पास कुछ भी नहीं है सिवाय रिवर वाटर के. सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ट. माई फीट आर फासन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव. और जो है बड़े पोलाइटली से वो बोलता है स्वेलो स्वेलो, सुनो ना लिटिल स्वेलो, क्या तुम मेरे इस तलवार के हैंडल से रूबी निकाल कर नहीं दे सकते हो उसको. मेरा जो पैर बंधा हुआ है इस पेडेस्टल से, पेडेस्टल मतलब होता है एक कॉलम से, खूटे से बंधा हुआ है, इसलिए मैं जो है मूव नहीं कर सकता हूँ. तो आशा करते हैं फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.